हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स के हाल चाल है दिस इज ए बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया था ये क्यू एन ए वाली वीडियो लगाने में और यूट्यूब पे मेरे ना स्टमक के बहुत इशूज हो रहे हैं फॉर सम रीजन ना मुझे स्टमक में एक सडन सी शार्प सी पेन आई थी और बैक पे भी पेन जा रही थी तो आई डोंट नो गूगल पे मैंने सर्च किया तो गूगल तो, तो दिखाता ही है कि आपको कैंसर हो गया तो आपके पास तीन दिन रह गए रहने को तो आई जस्ट कुरेंट फंक्शन और इसलिए यू नो ये वीडियोज लगाने में चीजें में थोड़ा टाइम लग गया बट खैर रही वेस्ट यू एन ए वीडियो है ठीक है और पिछली वाली बहुत सक्सेसफुल गई थी तो मैंने कहा इस दफा भी हम इनशाला बहुत अच्छी क्यूँ होने वाली वीडियो बनाएंगे और मजीद अच्छे सवालों को कवर करेंगे तो ये देखो जरा फिर भी अगेन ये सारे सवाल हैं एक के अंदर आठ सवाल हैं पिक्चर के अंदर तो मैं जोन से मुझे नजर आएंगे अच्छे अच्छे मैं उनको आंसर कर दूंगा और अगर किसी के सवाल आंसर नहीं होंगे तो हम आगे चेक कर लेंगे इंस्टाग्राम रील्स पे लगा लेंगे इंस्टाग्राम पे मैंने बाय दुबे क्वेश्चन लगाया था तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे अगर नहीं फॉलो करते तो कर लो या तो मैं वीकली या तो फिर मैं बाई वीकली इस तरह की क्वेश्चन क्यू होने वाली वीडियो बनाऊंगा तो आप अपने सवाल वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं दिस इज फ्रॉम मुश्तबा अहमद और उसने कहा था एडवाइस यू एवर ये और भी बहुत लोगों ने पूछा था मेरे से बेस्ट एडवाइस आई कैन मुझे जिंदगी में कुछ भी मैंने हासिल किया वो मुझे मिला बोल्ड और बाई के मतलब जो भी दिल में है, बख दो लेकिन जो भी तुम्हारी चाहत है जहां पे भी तुम्हें नजर आता है कि तुम्हें यार ये चीज चाहिए देखो दिस सो मेनी थिंग्स इन लाइफ दैट यू कुड गॉट इन इफ यू जस्ट सिंपली एस ठीक है अपने जो राइट ना उसके लिए अगर तुम किसी किसी मौको पे

आई वोज ए बोल्ड बचपन से ठीक है तो हुआ क्या था एक दफा हमलिए था नाइकी हम के, ना। तो के स्टोर में अब स्टॉक फुटेज वाला तो जमाना था नहीं दो हजार बारह की बात कर रहा हूँ तो हम नाइकी के स्टोर में गए गुलबर्ग में जोहर टाउन से ना बड़े दूर चला के तो नाइकी के स्टोर वालों ने कहा कि नहीं यार हम आपको रिकॉर्ड नहीं करने दे सकते यहाँ पे लोग हैं फलाना धमकाना मेरे दोस्तों ने ना गिव अप कर दिया उन्होंने कहा छोड़ो यार निकलते हैं हाँ से हम नहीं कर रहे तो मैं कह यार तुम पागल हो इतनी दूर से हम आए जोहर टाउन से और उन्होंने एक बात की और तुम निकल गए मैं अंदर गया मैंने अंकल को बड़े रोल है तल मैंने अंकल प्लीज हमारा प्रोजेक्ट है स्कूल का हम फेल हो जाएंगे देखिए हमारा आखिरी चांस है ये वो फलाना टेंथ क्लास में चलो यार करने दो तो, बड़ी भैंस के बाद ना कोई दस मिनट की फिर वो अंदर गए तो हमने वो फुटेज रिकॉर्ड की जूतों की और बड़ा अच्छा सा वहाँ पर हमने ना वीडियो बनाई कहने का मतलब ये अगर उस वक्त हम बोल्ड ना होते वुड नेवर गॉटन दैट ब्यूटीफुल शॉर्ट और फिल्म फेस्ट पे जब हम गए थे तो हमारी वीडियो इट बॉन एन अवार्ड आई थिंक सेकेंड

उसका बिहेवियर चेक करो वेटर्स के साथ किस तरह ठीक है उसका लहजा चेक करो बोलने का उसके वैल्यूज देखो उसके मॉरल देखो हाउ इज ट्रीटिंग जेंटल आइज के लॉट सच्चाई की बात बताते हुए इधर उधर तो नहीं देख रहा लेफ्ट पे यूजली यू नो ये क्यूज होते हैं ना सोशल क्यूजे पकड़ना सीखो जस्ट नोटिस द लिटिल लाइक डू यू फील लाइक बटरफ्लाइज डू यू फील लाइक यू फील एक्साइटेड डज साउंड कॉन्फिडेंट इन स्टोन ये छोटी मोटी चीजें होती हैं ठीक है फिर दूसरा उसकी फैमिली से अपनी फैमिली को मिलाओ तो ये सेटल्ड गाय के लिए हो गया दूसरा आ जाता है जो कि गाय यू नो ही स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग में कुछ लोग बड़ी बकवास भी करते हैं कि तो कर कुछ, है कोई कोई है, कुछ किया था जिसमें नजर आए कि अपने अम्मी अबू के पल्लू से निकल के उसने लाइफ में कुछ पुटा है। फिर अगर वो स्ट्रगल में दैट्स अनदर थिंग बट वो कह रहा है मैं स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ भाई मेरी बात सुनो आप आपके आप क्या बच्चे आगे अपने अपना पेट पालना तो देख के अपने सूटर को चूज करो इफ द अदर गाय

she might actually come to you. That's the name of the game, boy. Advice for a 19-year-old girl. What should I need to improve more before entering 20? ये मैंने पिछले भी क्यों ना मैं कवर किया था. मैं हमेशा कहता हूँ कि if you are uh, entering your 20s, especially if you're going to college, don't hang around with hoes. And I'm sorry to say this, but don't take advice from other girls, especially the girls that are in competition with you. क्योंकि वो तुम्हें कभी भी sane advice है, तुम्हें कभी भी ऐसी एडवाइस नहीं देंगी जिसमें लॉन्ग टर्म में, में तुम्हारा भला हो रहा हो. शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लेकिन they don't want the best for you. Trust me, I've met so many. गर्ल जिनसे मेरी बात हुई है बाद में हमेशा कहती हैं कि यार हमने अपनी ना लड़कियों की एडवाइस नहीं लेनी चाहिए थी, जो हमारी दोस्तें थी ना जब भी उनसे उन बर्बादी की एडवाइस ही लेनी है अपनी माँ से माँ से जिसका अपने बाप के साथ तुम्हारे अब के साथ रिलेशनशिप अच्छा वर्ना एडवाइस लो लोग होते हैं इट कु मी और इट कुड भी अमन ओल्डर वोमन बट नॉट ये डोट टेक एडवाइस फ्रम योर फ्रेंड्स डोंट हैंंगराउंड पार्टी फेज यू डॉट नीट दर्टी फेज ये एनर्जी लर्न हाउ टू कु एंड ऑल्सो गेट एजुकेटेड अच्छी डिग्री करो ये फजूल की फॉरेस्ट्री की डिग्री सोशियलॉजी की डिग्री यू डोंट नीड दैट स्टेम डिग्रीज में आओ मेडिकल डिग्री में हो लॉयर की डिग्री में उस की कोई चीज में आओ अगर हैंग आउट करना है तो अच्छी अच्छी चाय की जगहों पर कहीं पे क्यूट कैफेज में जाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ जाओ लेकिन होस्ट के साथ हैंग आउट तुमने नहीं करना है लेट नाइट पार्टी शीशा विशा इज नॉट फॉर यू तो अपने आप को बचा के रखो फॉर द परफेक्ट गाय हाउ टू इग्नाइट दैट स्टेग कंसिस्टेंट फायर इन मी और इन शॉर्ट हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट मेरे से काफी लोग पूछते हैं यार आप कंसिस्टेंटली तीन चार महीने से कैसे कॉन्टेंट निकाले जा रहे हो आपको हिट द वॉल वाली फीलिंग नहीं आती

कंसिस्टेंट रहने में अब तुम अगर छोड़ दोगे तो सारी मेहनत वेस्ट पे चली जाएगी एंड सो मेनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन यू सो यू नीड टाइप ऑफ पीपल अराउंड यू दैट एक्चुअली केयर फॉर यू जस्ट बिलीव दैट यू आर द मैन और यू आर द वुमन हु कैन अचीव वट एवर यू सेट योर माइंड टू मैं भी, भी अपने आपको तीन परसेंट पर भी नहीं समझता ऑफ द पोटेंशियल आई कैन एक्चुअली अचीव लेकिन लगे में मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे सामने ही है इनशाला कुछ बनकर दिखाएंगे लेकिन यही चीज तुम अपने दिल में रखो और ऑनेस्टली स्पीकिंग जिंदगी में ऐसे रास्ते ऐसी ऐसी जगहों से रास्ते खोलते हैं ना कि बंदे को पता भी नहीं चलता

एंड तो इफ यू डोंट लाइक दैट दैट्स दिन में, करो. ये 100 है. ये और ये करो. में एक दफा खा लिया करो बाहर जाके चीट मील जिसको कहते चीट, नहीं चीट मील लेकिन अपनी फिजिक पे काम करना है तुमने जरूरी है ट्राई टू टेक्रोल इमोशन कॉन्स्टेंटली रोना नहीं है दुनिया के आगे जो भी करना है खुद करना है पहले चीज खुद करने की कोशिश करो अगर

forget about all the noise and last thing also get closer to allah get closer to god do charity charity karo. the yewala se better hai. be a giver not a taker my aunt asked for uh, my rishta but they're not willing to share the boy's salary is it a red flag why do you want to know the salary like why do you want to know the exact numbers i don't think that's a red flag agar us boy ke pas kamane ke hai. he has like a sustainable

So, you don't need to know. But they okay, whatever he's saying, he is that person or not. I became too nice to girls. Uh, how to avoid it? Why are you being nice when they're not being nice back to you? Ek to aati ke ke aapko ek naram I totally understand. But why are you being nice to someone who is not reciprocating? You know why? Because you're trying to be in their good graces. You're not actually nice. You're trying to be nice so they give you something in return. And we all know what it is. Apne focus on your body. Ko अच्छा बनाओ ड्रेसिंग अपनी अच्छी करो पैसे बनाने का जरिया करो पहले अपने आप पे फोकस करो फिर जो इर्द गिर्द की जो सारी लड़कियां जिनके पीछे तुम चेज करो ना उनमें से कोई ना कोई आके तुम्हारा रिश्ता मांगेगी एक दिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ गारंटी बात है यू डोंट चेज लेट देम बी द दे चेज अब हां इसमें बंदे को फील तो होता है कि यार देखो मैं तो करी जा रहा हूँ लेकिन लड़कियां नहीं करी ट्रस्ट द प्रोसेस इट्स फाइन ये जो तुम अभी काम करो ना इससे ज्यादा बेहतर है कि तुम अपने आप पे फोकस कर लो क्योंकि तुम्हें रिजल्ट इधर भी मिलना तो नहीं है girls, smell. Smell the fakeness. देखो, का काम नहीं हो <laughs> नाइस nice करके उनके सामने क्लाउन बनकर दिखाना ठीक है ये काम लड़कियों पे छोड़ दो एक्सेप्ट फॉर द क्लाउन पार्ट लड़कियां होती है फेमिन टच इफ यूर अम्पिटेंट पर्सन दे केन स्मेल दैट ऑन यू सो यूल फाइन वर्क ऑन यूर सेल्फ आई हेव स्टॉप हर फ्राम मेकिंग मेल फ्रेंड्स बट शी रीसेंटली स्टार्टेड टू टॉकिंग इन यूनिक

because the most valuable thing to your husband, your future man would be that you are nurturing and caring towards him, especially if he is a financially well-off man. What to do when your father is proper zamindar and you need bank statements for US visa? अच्छा अगर तुम्हारा बाप जमींदार है ठीक है तो सबसे पहला काम करो अपना visitor visa बनवाने की कोशिश करो. तुम्हें कोई अपनी job या कोई काम show करना पड़ेगा something that tells the embassy के भाई तुम्हारा सारा कारोबार काम यहीं पे तुम ये पे संभाल तो you're only going to America for touring, right? अगर तुम लग जाता है बी वन बी टू आओगे इसको तुम चेंज कर सकते हो ई टू वीजा में E2 होता है इन्वेस्टर वीजा उसका मैंने कवर किया हुआ अपनी वीडियो मैं लिंक लगा देता इधर इसको जाके देखना ई टू वाला पार्ट तो उसमें मैंने बताया हुआ कि कितनी अमाउंट तुम्हें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी कोई भी बिजनेस तुम खोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल कार रेंटल बिजनेस खोल सकते हो होमेजोन एफ बी ए कुछ भी खोल सकते हो जो तुम्हारे पास अगर जमींदार वाले पैसे है ना वो तुम इन्वेस्ट वहां पे करो कोई लॉयर अच्छा से पे तुम्हें मिल जाएगा बहुत फर्म है जो मैंने लॉयर मेंशन की थी उनको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड देन गवि यू ऑल द ऑफ हाउ मच टू इन्वेस्ट इफ गर्ल कम्स बैक टू यू यूफ्ट ब्रेक Up two times before what should be done, you don't take her back. Never, 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 ever, 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 ever take a girl back, especially if she's the one that broke your heart and she went off. The only reason boys wo paas hai, is not going to be able to do mila That's why she's coming back to her old option. And that's you, the dependable guy. Char billion

you can keep a woman happy or fulfilled. Is, जब उसको पता हो कि यू आर हर बेस्ट ऑप्शन ये जो बाकी चीजें हैं ना ये सारी सेकेंडरी हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम उसको अच्छी डेट्स पे इधर उधर लेके जाओ उसको चीजें दिलाओ खाना पीना यू you नो know, प्यार भरी बातें करो रोमांटिक चुमिया मिट्टिया पपियां ठीक है वो सारी चीजें सही हैं अपनी जगह पे हैं. Primarily, प्राइमेयरली जब उसे पता है ये बेस्ट आदमी है जो कि मैं हासिल कर सकती थी अपनी लाइफ में और इससे बेहतर कोई नहीं है देन शी वुल बी फुलफिल्ड एंड हैपी ना आई नो इट्स वेरी टायरिंग इट्स वेरी टायरिंग टू बी दैट डूट बट इट्स ऑल्सो गुड फॉर यू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ बिकॉज औरतों को वॉइस

लगा सकते हो आप जब भी आप नहाने लगो ना बाल धोने लगो तो उसके सात आठ घंटे पहले ये तीनों ऑयल अपने सर पे अच्छी तरह मसाज कर लो और अगर आपके बाल ऑयली नहीं है ना ज्यादा तो आप हफ्ते में दो दफा अपने बाल को धोया करो अगर बहुत ऑयली बाल है अपने बालों को इफ यूर हेयर इज फॉलिंग फ्रॉम ट्राई फ्रॉमस्टराइड जो है ना एक वो गोली है ये ठीक है वो लोग लेते हैं बाल बचाने के लिए अब वो बाल आपके बचा लेगी वो हेयर फॉल आपके बिल्कुल खत्म कर सकती है लेकिन उसका जो डाउन साइड है वो है कि आपकी मर्दानगी भी खत्म हो सकती है

और कंडीशनर को आई थिंक दो तीन मिनट रखो अपने बालों पे फिर वॉश ते ब्लो ड्राई अगर करना है बालों को तो दूर से ब्लो ड्राई करो ठीक है पास से नहीं करना अपनी स्केल पे आई थिंक दिस विल एक्सलट योर हेयर ग्रोथ टू सम एक्सटेंट बुक करंटली ऑन योर शेल्फ यार अभी ना मैं ये ऑडियो बुक सुन रहा था रिसेंटली दिस इज द बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ठीक है ये बुक है आप ये चेक कर सकते हो वैसे यूट्यूब पे फ्री इसकी ऑडियो बुक पड़ी है जिससे सर्च करना और आपको आ जाएगी इसमें तुम कम्युनिकेशन स्किल्स लर्न करोगे लीडरशिप स्किल्स लर्न करोगे हाउ टू मेक गुड फ्रेंड्स एंड हाउ टू बी ए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी It's a very good book. So favorite series anime, which you'll oh. also recommend to watch. Uh, my favorite series has always been Naruto, Uske baad, I would say Attack on Titan, Geass Gyaswagara, Berserk, um, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Dragon Ball Z was very good. One Piece. Like in meet starter konga joy. A really good uh, watch Erased It's 12 episodes. Crime story basically banae. Smeye, Admi Jo hota hai na, oh, uski Life itni, fucked up at the age of 29 years old. He's like, I wish I could change this all. If I could only go back in time and he indeed does go back in time जब कि वो fifth grade में होता है and that's where all the problems started जो उसके crime scene life में आगे होते हैं ना वो वहाँ से शुरू होते हैं fifth grade से दूसरा मैं कहूँगा छोटा इन्हें मैं promise Neverland is very very good वो पहले episode में ही spoiler तो मैं मिल जाएगा but it's the most shocking episode पहला promise Neverland land बारह episode का है but पहला season देखना उसका the girls don't like logics but later realize he was saying truth but don't accept that they cannot help it it's their uh, brain wiring ठीक है लड़कियों की जो emotional side होती है ना वो बहुत overtake करती logic को so, you

टाइम्स वर लिविंग इन देखो पता है क्या हर चीज आपको दस्ताब है दुनिया के अंदर फॉर एग्जाम्पल पीपल इन द अपर क्लास फूड वाटर शेल्टर सब उनके पास है तो जब आपकी प्राइमरी नीड्स फुलफिल हो जाती है ना उसके बाद फिर आप दुनिया की दूसरी चीजों पर फोकस करते हो दुनिया के मसले अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस बंदों को शुरू हो जाती है कि मैं मर्द हूँ या औरत हूँ ये सारी चीजें नहीं एग्जिस्ट करती है अगर आप कॉन्स्टेंटली अपनी प्राइमरी नीड्स की सर्च पे हो इसलिए सबसे ज्यादा सुसाइड रेट कहाँ पे आया है अमेरिका और जापान के अंदर दूसरा ऑब्वियसली अमेरिका के अंदर जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है इट्स ऑल

सोशल क्रीचर्स हमने कोई भी लाइफ में अगर चीज की है ना उसका मजा कभी भी नहीं आता जब तक दूसरे को ना दिखाया जाए पेरेंट्स नॉट accepting. आजकल बहुत ज्यादा आई एम सॉरी टू यूज टर्म बट आई पुट इट होज़ाबीज़ तुम्हें बहुत ज्यादा नजर आएंगी। अमेरिका के अंदर ऑन द डेली आई सी देम एंड ऑफ टू बिफोर माई मैरिज एंड दे pretend ठीक है अब ये बात लोग करेंगे कमेंट्स में कि यार उसके और अल्लाह का मामला है अल्लाह ने उसके पास सेंस फॉरगिव कर दिए भाई उसके और अल्लाह का मामला है ठीक है लेकिन तुम्हारा काम थोड़ी है, सारा जवाब उठाना जिंदगी के लिए कुछ लड़कियां इस्लाम की तरफ और इस तरह की तरफ इसलिए भी कन्वर्ट होती हैं ताकि उनको उसके बेनिफिट्स मिल जाए क्योंकि उनको पता है कि इस्लाम में जितने औरत के राइट्स हैं ना किसी और रिलीजन में नहीं मैं तो मैं खुल के बात कर सकता हूँ ठीक है जितना इस्लाम वुमेन को प्रोटेक्ट करता है ये भी हो सकता है कि शी इज जस्ट कन्वर्टिंग सो शी गेट्स टू मैरी यू बट इज शी इम्प्लीमेंटिंग द इस्लामिक थिंग्स क्या तुम्हें नजर आ रहा है कि वो नमाजें पढ़ने की कोशिश करिए क्या वो एक्टिवली तुमसे दीन के बारे में सवाल पूछे रोज अगर तो उसने एक दफा कह दी कि मैं कन्वर्ट कर दूंगी लेकिन बस कह के छोड़ दिया देन शी माइट बी लाइंग टू माई फ्रेंड एंड मे बी योर पेरेंट्स कुछ सी दैट तो टेक इट विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट देखो कि वो एक्चुअली इज शी सीरियस बिकॉज देखो बच्चे सुनो, बात आ जाती है के आगे तुम्हारे बच्चे जो है ना उन्होंने भी तुम्हारा कल्चर सीखना और जब बच्चे पैदा होंगे तो वो जो माँ के पेट में जो होता है ना रिलीजन वो उसनेट्स आर अगेंस्ट ठीक है तो ये भी बात याद रखना इफ यू आर नाइनटीन एंड ही फोर वट द मेरेज वर्क विद गैप और इज ए टू अर्ली येस इट्स टोटली फाइन एक्चुअली दिस इज बेटर बिकॉज औरत होती है वो जल्दी मेचोर कर जाती है से। तो उसका ट्वेंटी फोर ना, तुम्हारे नाइनटीन के बराबर ही है नॉट एवरीबडीज एज अपने उठानी बहुत से लोग थर्टी ईयर्स की उम्र में भी मैन चाइल्ड मेचोरिटी वेरी करती है लेकिन अगर जनरल टर्म से बात की जाए देवेंटी फोर का अगर वो है उसका मेचोरिटी लेवल आप जितना ही होगा यू ड्रादर बी है गर्ल यू कैन स्पेंड योर लाइफ विद विच मोमेंट आई थिंक जब वो मेरे अपार्टमेंट में आई थी वैसे ना हम हैंग आउट कर रहे थे एंड विदाउट मी एस किंगी कॉक माई फेवरेट थिंग

डाउन माई ब्रेन टू एक्सप्लेन हर समथिंग कोई भी मेरे इंटरेस्ट होते थे जो उसको नहीं पता होते थे तो वो वाइफ को काफी जल्दी कैच कर लेती थी नाउ अगेन कुछ लोग को भी कोई शायद मिल जाता आगे या मुझे फिजा जैसी और भी कहीं और मिल जाती बट अगर ऐसी तुम्हें अपर्चुनिटी नजर आ रही जहाँ पे कुछ क्वालिटीज एक लड़की या लड़की की पूरी हो रही है तो भाई बिस्मिल आगे काम चलाओ शीज दन वन बाई नौ बिलियन की पॉपुलेशन है क्या The one, पागल हो प्रॉबेबिलिटी पे दुनिया चलती है ठीक है प्रॉबेबिलिटी पे ही तुम अपना डिसीजन लेते हो तो मुझे तो ये कुछ चीजें नजर आई थी फील पैसे से क्या हो जाएगा क्यों इतनी पढ़ाई करनी है प्रॉफिट भी तो रिच नहीं थे ये तो मैं किसने कह दिया कोई प्रॉफिट भी तो रिच नहीं थे भाई जू सलम आई अ पोअर डिसेंट ही फ्रॉम अ रादर रिच फैमिली फैमिल इन्फ्लुएंस था उनकी फैमिली का ही वॉज फैमिली मोजेस जो थे हजर मूसा प्राइमरली वॉज अ अर फैमिली लेकिन बड़े किसके घर में हुए फेरो के घर में हुए जीजस थे जो ईसा थे ठीक है उनका डिफरेंट सीन था ही फ्रॉम अ पोर बैकग्राउंड लेकिन भाई दे वर गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह और वो अल्लाह के खास चोजन चोजन लोग थे बिलियन ऑफ लोगों में से एक बंदा तो दुनिया प्रॉबेबिलिटी पे चलती तो तुम उस प्रॉबेबिलिटी पे चलो और जिंदगी में पढ़ लिख के पढ़ लिख के जॉब करने की कोशिश करो अगर जॉब तुम्हें नहीं पसंद आती तब तुम बिजनेस वाला माइंड लेके चलो पहले नहीं मैंने मैंने जी मैंने तो बिजनेस खड़ा करना है पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा भाई क्यों नहीं रखा हुआ पढ़ाई में पागल है पीछे इतने लोग पढ़ पढ़ के मर गए भाई अकलमंद तुमसे ज्यादा लोग अच्छा जी बॉयज एंड गर्ल्स ये वाले क्यों होने को मैं यहाँ एंड करता हूँ बहुत ज्यादा सवाल मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं एंड आई एम वेरी टाइड मेरी तबियत इतनी अभी अच्छी नहीं है आई एम सॉरी जिन लोगों के सवाल कवर नहीं हुए अभी भी मेरे पास बहुत ज्यादा सवाल है इसको ना एक काम कर

i sorry okay.